हेलो दोस्तों दोस्तों, ये देखिए आज हमारे घर कौन आया है। लंगूर पता नहीं कहाँ से रास्ता भूल गया है, और इसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो रहे हैं, छत पर चढ़ गए हैं। दोस्तों ये मेरी देवरानी है, मेरी मौसी और सासू की बीननी। और ये इतने जल्दी दूध क्यों निकाल रही हो तुम? क्योंकि हम 5:30 हुए हैं, अभी हम जल्दी दूध निकाल रहे हैं। क्योंकि हम जल्दी नहीं दूहते हैं ना, तब मक्खी आ जाती है, गाय को खाती है, तब वह अच्छे से दूध नहीं दे पाती है, इसलिए हम जल्दी दूध निकाल लेते हैं। अच्छा ये बात है। और ये बछड़े को दूध कम क्यों पिलाती हो? क्योंकि ये अभी लगभग 1.5 महीने का हो चुका है, और अभी इसे हम खल और दलिया खिला देते हैं और ये खा लेता है, इसीलिए हम दूध इसे कम पिलाते हैं। जब ये बछड़ा छोटा था तब हम इसे 2 थन का दूध सारा पिलाते थे और 1 थन का दूध निकालते थे, और इसके 4 थन है, इसमें से 1 थन में दूध इसे आता नहीं है और 3 थन में से दूध आता है। गाय के 4 थन है जिसमें से 1 थन से दूध नहीं निकलता है, 3 थन से निकालते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी हमें निकालना पड़ता है और निकाल भी लेते हैं। और ये गाय के अभी थन धोकर दूध निकालेगी, और ये तुम गाय के न्याणा क्यों बांध रही हो? क्योंकि ये गाय लात मारती है ना, इसीलिए इसे हम न्याणा लगाते हैं। और ये गाय का न्याणा एक तरफ, गाय एक पग से लेकर आंटा देते हैं, फिर पैरों दोनों पैरों के बीच में, और फिर इस तरह से इसको बांधते हैं। अच्छी तरह से इसको पहले बांध लेना चाहिए। जब ये गाय देखिए थन धोते हैं, पानी लगाते हैं, तब ये पहुंच जाती है, तो इसे देखिए थन कैसे दूध से भर जाते हैं, उसके बाद हम दूध निकाल लेते हैं इसको। इस बछड़े को तुमने दोबारा क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये गाय है ना पूरा दूध नहीं देती है, इसीलिए हम इसे फिर से छोड़ते हैं, तब ये सारा दूध देती है, इसीलिए हम इसे दोबारा छोड़ते हैं। इसका फिर से दूध निकालूंगी, कुल मिला के ये 5 लीटर दूध देती है, ये गाय लमसम 5 लीटर दूध देती है। 4 लीटर दूध हम निकाल लेते हैं, इसके बाद 1 लीटर दूध ये बचा के रख लेती है, फिर से इसे बछड़े को छोड़ते हैं, तब 1 लीटर दूध फिर से निकाल रही हूँ। Thank you.
अब मैंने इसका दूध निकाल लिया है और नैना भी खोल दिया है। हेलो दोस्तों, दोस्तों ये गाय है राठी, एकदम राठी गाय है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या बेचने के लिए है गाय राठी। गाय बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि इसका दूध हम पीते हैं और बेचते हैं। हमारे घर की गाय है तो बेचेंगे नहीं हम। और राठी गाय का दूध पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर घर में खाने पीने के लिए अगर रखें तो राठी गाय रखनी चाहिए। अगर बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए हम रखें तो अमेरिकन गाय रख सकते हैं, क्योंकि उसका दूध ज़्यादा होता है। तो अभी हम दूसरी गाय का दूध निकालेंगे और ये गाय के लिए चाटा। और इस गाय को चाटे में क्या क्या मिला कर दिया है? इसमें बाजरे का दलिया है, वो दलिया हम सिजा के बनाते हैं। बना के उसमें खल, दलिया और हरी ज्वार होती है उसके कुतर करके सब मिला के फिर उसे देते हैं। ये चाटा गाय के लिए अच्छा होता है, जिससे दूध भी अधिक होता है। हरी ज्वार के कुतर करके देने से दूध अधिक होता है। ये बच्ची कितने महीने की है और इसको दूध कितना पिलाती हो? ये बच्ची 10 महीने की हो चुकी है और इसे हम बहुत थोड़ा दूध पिलाते हैं। इस बच्ची के बगैर ये गाय दूध नहीं देती है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत दूध इसे पिलाते हैं तभी ये दूध देती है। तो ये बच्ची तो आराम से चारा खा लेती है और चाटा भी खा लेती है, तो इसको ज़्यादा दूध की जरूरत नहीं है। और ये बच्ची के मुँह से तुम थन को बार बार छुड़ा क्यों रही हो? क्योंकि ये सारा दूध पी जाती है, इसीलिए इसे बार बार डालने से ये पक जाती है और फिर इसे दूर ले जाके बांध देते हैं। और ये गाय किस नस्ल की है? ये आधी अमेरिकन और आधी देसी गाय है, जिसे जर्सी कहते हैं। और इस गाय के दूध कितना होता है? अभी तो इस गाय के 3 लीटर दूध होता है, जब बच्ची छोटी थी तब से इसे 7-8 लीटर दूध होता था। और तुमने मिल्किंग करना कब सीखा? कितने साल हो गए तुम्हें मिल्किंग करते हुए?
लमसम 5 साल हो गए मिल्किंग करते हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।